मॉर्निंग फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। सो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर हम टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर टेंस के अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करने वाले हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट को हम किस तरह से पता करें कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है। क्यों इसको मैं बहुत अच्छे ईजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ, तो आज के बाद आप कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कभी नहीं भूल पाओगे। और गाइज, चाहे वो अपनी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो या हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हो, कोई भी हो, कुछ भी ऐसा हो, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का भी बहुत मेन रोल होता है उसमें। तो ये आना भी हमें बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कंपटीशन की एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, दोनों ही चीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो गाइज, मैं आपको सारा बताने वाली हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या उसकी पहचान है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कौन कौन से सेंटेंस बनेंगे उसके, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारे वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका यूज क्या है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्या इसका यूज है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी लड़की है या कोई भी लड़का है, जैसे वो प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, वो खड़ा हुआ है, प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, वो खड़ा हुआ है, तो वो क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर में वो क्या करेगा, उसके बारे में वो सोच रही है या सोच रहा है कि आगे जाके मुझे क्या करना है, क्या क्या काम करना है, क्या क्या मैं कंप्लीट करना है, क्या नहीं करना, जो भी वो प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। और जो भी वो प्लान कर रहा है वो किस कौन से टेंस के अंदर आएगा, फ्यूचर टाइम। वो फ्यूचर टाइम की प्लान कर रहा है, फ्यूचर की प्लान कर रहा है, तो वो सारा किसके अंदर आएगा, फ्यूचर के अंदर आएगा, ठीक है। तो वो प्लान किस किस के लिए है, उसके आने वाले जैसे आने वाले कल के लिए, जैसे कि टुमारो, टुमारो के लिए मतलब आने वाले कल के लिए, नेक्स्ट वीक अपन बोलते ना, नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आया नहीं है, जो आएगा आगे जाके उसके लिए। फिर है जैसे कि आफ्टर टू डेज के बाद मैं क्या करूँगी, उसके बारे में वो प्लान कर रही है, तो ये उसकी प्लानिंग है। या फिर 5 ईयर्स, 5 ईयर आफ्टर मतलब वो 5 साल के बाद वो क्या करेगी, उनके बारे में वो सोच रही है। तो जो भी वो प्लानिंग कर रही है, जो भी सोच रही है, तो वो सब क्या है, ये पूरा क्या है, ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो प्रजेंट में खड़ी होकर फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है, प्रजेंट में खड़ी होकर क्या कर रही है, फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है कि टुमारो मैं कल क्या करूँगी, नेक्स्ट वीक मैं अगले वीक क्या करूँगी, आफ्टर टू डेज अगले 2 दिनों के अंदर मैं क्या करूँगी, फाइव ईयर्स आफ्टर मतलब 5 सालों के अंदर मैं क्या करूँगी। तो क्या ये फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है कि फ्यूचर में वो क्या करेगी, तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारी इंग्लिश की पहचान हो गई, बट अब हिंदी में जैसे ज़्यादातर लोग हिंदी में भी पहचान करते हैं, है ना, तो इसकी हिंदी में क्या पहचान है, हिंदी में क्या पहचान है अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, हिंदी में पहचान क्या है, तो हिंदी में क्या पहचान है, गा, गी, गे, ये सारी, गा, गे, गी, ये सब क्या है, हिंदी में पहचान है इसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, गा, गे, गी, मतलब जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी वाला जो सेंटेंस है उसके लास्ट में गा आ गया, गी आ गया, गे आ गया, गो आ गया, ये सब आ गया, तो क्या है, कौन सा टेंस है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट। अब जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो अपन सोचते लॉकडाउन हटते ही मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे अपन अलग अलग थिंकिंग रखते हैं, सबने अलग अलग पहला अपनी अपनी प्लानिंग कर रखी है, भाई लॉकडाउन हटने के बाद, कोरोना के जाने के बाद मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, मुझे ये काम फिनिश करना है, तो वो किसकी प्लानिंग कर रहा है, वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। तो जैसे जो भी जैसे जाऊँगा, खाऊँगा, नहाऊँगा, गा, गेगी, ये सब आ रहे, तो ये किसकी पहचान होगी, फ्यूचर की, ठीक है। तो ये एक पहचान है, तो आप इसको कभी मत भूलना, जैसे कुछ भी है कि मैं कल वहाँ जाके उससे मिलूँगा, कल मिलूँगा ना, वह मुझसे शादी करेगी, या फिर मैं अगले साल उससे शादी करूँगा, तो ये नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है कि किसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस टेंस को अपन को करना होता है। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है, तीन चार टाइप के सेंटेंस हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, चार टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है उनके बारे में। पॉजिटिव क्या होता है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम सकारात्मक चीज़ सोचते हैं हमारे मन में वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव वही है कि हम कल क्या करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, वही फॉर्मूला क्या होगा इसका वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल एंड सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने पॉजिटिव सेंटेंस का अपने फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल, सॉरी विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके अलावा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में। किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखना इसको। ओनली एकमात्र पास्ट इंडेफिनेट ही ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे थे, तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी का भी नाम हो, जो भी काम करने वाला होता है किसी का भी नाम हो एक्स वाई जेड, वो क्या होता है, सब सब्जेक्ट होता है। विल सेल ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया, जो अदर होता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब अपन याद करेंगे कि भाई विल किसके साथ लगाएंगे एंड सेल किसके साथ लगाएंगे। तो विल कहाँ लगेगा, सेल कहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये अब कन्फ्यूजन वाला है, तो आई एंड वी, आई एंड वी के साथ तो विल लग जाता है, बाकी जो भी होता है यू हो गया, है ना, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट, ही सी इट एंड अदर, मतलब किसी का भी नेम हो, किसी का भी नेम्स हो तो उसके साथ क्या लग जाएगा, सेल लग जाएगा। आई और वी के साथ विल लगेगा और सेल के साथ क्या लगेगा, सेल मतलब सेल किसके साथ लगेगा, यू ही सी इट एंड किसी का भी नाम हो उनके साथ सेल लग जाएगा। बट आपने कभी कहीं देखा होगा कि आई के साथ सेल लगा हुआ है या यू के साथ विल लगा हुआ है, तो वो चीज़ जब लगती है स्पोकन की लैंग्वेज में लगता है वो कि जब कोई चाह कोई भी काम हो, मतलब वो पक्का हो, पूरी तरह से पक्का हो, जब क्या हो जाता है कि यू के साथ विल लग जाता है, आई के साथ सेल लग जाता है, वो सेंटेंस से हमें पता लगता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, मैं तुमसे कल मिलूँगा, मिलूँगा या मिलूँगी। ठीक है, मैं तुमसे कल मिलूँगा या मिलूँगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अब इसको अपन को इस स्ट्रक्चर के अंदर इसके अकॉर्डिंग इसको बनाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो क्या हो गया, आई। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, मैं। ठीक है, और फिर इसके साथ मैं के साथ आई, मैं को क्या बोलते हैं, आई। आई के साथ क्या लगाए, विल, तो आई विल, तो आई इसका हो जाएगा आई विल मीट, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया, मैं तुमसे कल मिलूँगा, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। आई हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, विल आई के साथ विल लग गया, मीट क्या फर्स्ट फॉर्म है वर्ग की, मीट यानी होता है मिलना, तो वीट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हो गया, यू तुमसे, टुमारो यानी कल। ठीक है, तो मैं ये आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूँगी, तो ये क्या फ्यूचर टेंस की बात हो। तो जो भी हम करेंगे आगे जाके वो किस में आता है, सब फ्यूचर सिंपल के अंदर आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसका अपन देखेंगे नेगेटिव, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं तुमसे कल नहीं मिलूँगा, या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा,
मैं लॉकडाउन के बाद ये नहीं करूँगा, तो नहीं 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 मतलब कोई नेगेटिव वाली बात हो रही है तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। नेगेटिव मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का जो नेगेटिव, नेगेटिव होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्यों की बात कर रहे हैं हम। तो इसका क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस बना देंगे। जैसे मैंने अभी बनाया था मैं तुमसे कल मिलूँगा, अब मैं इसका ही बोल दूँ मैं तुमसे कल नहीं मिलूँगा, मैं तुमसे कल नहीं मिलूँगा, उसका क्या हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाया मैंने जो पहले लिया था कि मैं तुमसे कल नहीं मिलूँगा, तो आई विल नॉट मीट यू टुमारो, आई विल नॉट मीट यू टुमारो। तो आई सब्जेक्ट हो गया, विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, विल के जस्ट बाद नोट लगेगा, ये चीज़ याद रखना, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट लगता है। ठीक है, तो नॉट मीट यू टुमारो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी यू मीट टुमारो। ठीक है, तो आई विल नॉट मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल नहीं मिलूँगा, तो ये कैसे सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम किसकी, कई बार अपन जैसे विल नोट होता है, विल नोट होता है इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं। ठीक है, तो विल नोट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वॉन्ट, वॉन्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है, वॉन्ट भी बोला जाता है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वॉन्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं आगे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है पर्सन वाचक वाक्य, क्या होता है, पर्सन वाचक वाक्य। पर्सन वाचक वाक्य मतलब जिसमें हम किसी से पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कुछ उनकी जैसे कि क्या तुम मुझे कल मिलोगे, क्या तुम वहाँ पर चलोगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या तुम ये करोगे, क्या तुम वो करोगे, तो हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो वो कैसे सेंटेंस हो गए, इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ये वाला क्वेश्चन मार्क, तो वो सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे अपन, इसका एक फॉर्मूला जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसे बनेगा, तो वही सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो, या फिर यहाँ पर सेल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें विल और सेल यहाँ पे सब सब्जेक्ट से पहले आएंगे, विल और सेल क्या आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा ये, तो सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, है ना, तो इसको कैसे होएगा, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी, आपने भी कई लोगों को सुना होगा ऐसे बोलते हुए, तो वो क्या बोलते हैं, विल यू मैरी मी, तो विल क्या हो गया यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो जो सब्जेक्ट से पहले आएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू मेरी यानी शादी करना, मी यानी मुझसे। ठीक है, तो विल यू मेरी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शादी करना, मेरी यानी होता शादी करना, तो विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, तो विल क्या हो गया यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, तो अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो विल यू मैरी मी, तो ये आपका कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कल और बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बताऊँगी जो अपन डेली स्पोकन मतलब स्पीकिंग में अपन यूज करते हैं, उन चीज़ों को मैं आपके बताऊंगी, इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होगी और आपकी ग्रामर भी अच्छी होगी। कुछ ग्रामर रूल्स भी बताऊंगी इससे रिलेटेड, फ्यूचर सिंपल से रिलेटेड, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।